हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग हो, या पोस्ट बीएससी कर रहे हैं, या जीएनएम कर रहे हैं, या आप नॉर्सेट लेवल जैसे किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्सेट, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB या एनी अदर नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम, आप हमारे साइकेट्रिक कोर्स से जुड़ सकते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे। विद इन जस्ट 10 डेज वी हैव अपलोडेड 21 क्लासेस इन दैट आर पेड कोर्स। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके आज से ही सिलेबस वाइज क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। डाउनलोड द ऐप नाउ, ओपन सर लेक्चर्स। नॉर्सेट का फर्स्ट एग्जाम हो गया है, अभी एक एग्जाम होना और बाकी है। कल का एग्जाम मॉडरेट लेवल का हम कह सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा टफ था, ना तो 4-4, 5-5 लाइन के क्वेश्चन थे, ना बहुत ईजी था, मतलब हम मॉडरेट एग्जाम कह सकते हैं और इसको हम अच्छा पेपर कह सकते हैं। लेकिन अब से, जैसा कि प्री मेंशनड था ऑलरेडी, कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, Stage 2 एग्जाम जो होगा प्रीलिम्स के बाद, उसमें अप्लाइड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले आ सकते हैं, सिनेरियो बेस्ड आ सकते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस बेस्ड आ सकते हैं, यानी वो पेपर ऐसा अजम्पशन किया जा सकता है कि वो अच्छे लेवल का पेपर होगा, स्ट्रक्चर्ड पेपर होगा। उसकी तैयारी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन करने होंगे। अगले 15-20 दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन निकालिए। अप्लाइड क्वेश्चन समझते हैं, 3-4 लाइन के क्वेश्चन जिनमें सिनेरियो होता है, जिसमें आपको अजम्पशंस लगाने होते हैं कि 2 या 3 आंसर सही हैं, लेकिन आप प्रायोरिटी किसे देंगे, लाइक दैट। तो इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चंस लगभग 300 क्वेश्चंस हमने ओपन सर लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एनक्लेक्स मॉसबी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस। 300 क्वेश्चन अगर आप रोज के 3 या 4 क्वेश्चन भी स्पीड बढ़ाकर देखते हैं, तो आपके लगभग 300 क्वेश्चन बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। तो आप रोज के 5 क्वेश्चन करने का नियम बनाइए, आज से ही शुरू करें। सारे क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चन एनक्लेक्स लेवल के हैं, और डेफिनेटली ये आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। फिलहाल मैं एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो कि है सिज़ोफ्रेनिया। जैसा कि हमारा टॉपिक अभी साइकेट्री में सिज़ोफ्रेनिया चल रहा है, तो उसमें कंसेप्ट होता है डाउनवर्ड ड्रिफ्ट फिनोमेना। नया कंसेप्ट हो सकता है आपके लिए, बट आजकल नई नई चीज़ें एग्जाम में आ रही हैं, तो मैंने ये इंक्लूड किया है। मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। डाउनवर्ड मतलब होता है नीचे की तरफ, ड्रिफ्ट माने होता है चेंज होना। जैसा कि सिज़ोफ्रेनिया में थॉट की गड़बड़ तो होती है, पर पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेटेड होती है। तो हमारी पर्सनैलिटी डाउनवर्ड जा रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है नीचे की तरफ, यानी नेगेटिविटी की तरफ। तो ये कंसेप्ट है डाउनवर्ड ड्रिफ्ट फिनोमेना, जिसके 3 फिक्स सिम्टम है, 3 ही हैं, हम इसमें एड ऑन नहीं कर सकते, ये फिक्स हैं, 1, 2, 3। ये 3 कंसेप्ट इस फिनोमेना के अंदर आते हैं, जिसे कहते हैं डाउनवर्ड ड्रिफ्ट फिनोमेना। फर्स्ट सिम्टम है सोशल विड्रॉल, जॉबलेसनेस, होमलेसनेस। एक बार दोबारा, सोशल विड्रॉल, जॉबलेसनेस एंड होमलेसनेस। पहले बात करते हैं सोशल विड्रॉल की। सोशल विड्रॉल हो जाना, घुलना मिलना नहीं, अपने आप में ही प्री ऑक्यूपाइड रहना, सोशली मिंगल नहीं होना, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाना, घर परिवार रिश्ते नातों से अलग हो जाना, कमरे में बंद है तो 8-10 दिन हो जाते हैं, वो ज़्यादा बाहर ही नहीं निकल रहा कमरे से, वो किसी शादी समारोह, रीति रिवाज या घर की खुशहाली में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। वो अचानक से, पहले वो ऐसा नहीं था, जब से उसे कुछ हुआ है, यानी ये बीमारी हुई है, तब से वो अचानक से सोशली विड्रॉल का गया है। ही इज़ नॉट एबल टू मेंटेन हिज रिलेशनशिप, चाहे वो भाई बहन के हों, माता पिता के हों, हस्बैंड वाइफ के हों। बहुत ज़्यादा सोशल विड्रॉल। अब आप सोशल विड्रॉल से ऐसा तो नहीं समझ रहे कि हाँ घर में ही बंद रहेगा, मगन रहेगा, ज़्यादा नहीं खुलेगा मिलेगा। सोशल विड्रॉल इस बीमारी में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है कि आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि 10-10, 12-12 दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। अगर अटैच लेट बात है तो वहीं के वहीं जाएगा, वहीं अपनी नीड पूरी करेगा, खाना वहीं से वहीं दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं निकलने वाला। सोशल विड्रॉल का मतलब है कि वो इस दीवार की तरफ देखने लग गया तो 2-3 घंटे, 4-4 घंटे एक ही पॉइंट पे फैंटेसी वर्ल्ड। आपको एक साइन पता होगा सिज़ोफ्रेनिया का, ऑटिज्म, ऑटिस्टिक थिंकिंग में फैंटेसी वर्ल्ड में ही खोया रहेगा। अगर वो टीवी की तरफ देख रहा है तो वो 8-10 घंटे नॉन स्टॉप वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में एक ही पोजीशन बनाकर घंटों टीवी की तरफ देख सकता है, लेकिन उसका ध्यान टीवी में नहीं है, वो तो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खोया हुआ है। यानी बहुत एक्सट्रीम लेवल का सोशल विड्रॉल हमें इस बीमारी में दिखाई देता है। नंबर दूसरा पॉइंट है जॉबलेसनेस। जॉबलेसनेस, नो मैटर हाउ ही वॉज अर्लियर, पहले वो कैसा था, किस पोस्ट पे था, वो गवर्नमेंट अधिकारी था, बहुत बड़ा अफसर था, या एक सामान्य इंसान था, नो मैटर हाउ ही वॉज अर्लियर, जब से उसे ये रोग हुआ है तब से वो मेरी या आपकी तरह एक नॉर्मल जॉब करने में समर्थ नहीं होगा। ही इज़ नॉट एबल टू कंडक्ट हिज जॉब रूटीनली। कुछ ना कुछ ऐसा होगा ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, कपड़े फाड़ेगा, हमला करेगा, गाली गलौज करेगा, ऊटपटांग हरकतें करेगा कि ऊपर तक उसकी शिकायत होगी, कभी कंप्यूटर तोड़ देगा, कभी कुछ ऐसा एक्ट कर देगा। तो अगर प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट तो वैसे ही चली जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी है तो वो नहीं कर पाएगा, वो उसकी शिकायत ऊपर तक जाएगी और उसे छुट्टी दिलवानी पड़ेगी, या ऑफिस में ऐसा कुछ ना कुछ एक्ट कर देगा कि उसे रिटायरमेंट, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है, वो दिलवाना पड़ेगा या जॉब छुड़वानी पड़ेगी। मतलब कहने का यह है कि अगर ये बीमारी हो जाए तो नॉर्मल जॉब करना मुश्किल है, और मैं कह सकता हूँ कि नहीं कर पाएगा।
तीसरा मेन फीचर है होमलेसनेस। अब इसको इससे रिलेट मत करना कि यहाँ भी तो वही बात है, नहीं ये अलग चीज़ है। होमलेसनेस सिज़ोफ्रेनिया, जिसमें स्पेशली क्रोनिक सिज़ोफ्रेनिया वाले मरीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये होमलेसनेस हो जाती है इनको। होमलेसनेस मतलब कि अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाए, अगर दरवाज़ा खुला मिल गया, ये चले गए, भटक गए, इधर उधर निकल गए, तो फिर इनमें इनसाइट एबसेंट होती है। ये हो सकता है अपने घर पर लौट के ना आ पाएँ, ये कभी ना आ पाएँ। आपने अक्सर रेलवे स्टेशन पर भटकते हुए बहुत सारे मरीज देखे होंगे, या घूमते घामते किसी गाँव में आ गया और फिर वो गया ही नहीं, 4-5 साल वहीं हैं, कौन है, कहाँ से आया, कुछ नहीं पता, मांग मांग के खा रहा है, किसी ने कुछ दे दिया तो दे दिया, वगैरह वगैरह। यानी ये भटकाऊ प्रकृति के होते हैं, अगर ये इनका ध्यान न रखा जाए, ये इधर उधर निकल जाएं, तो फिर ये होमलेसनेस इनमें पाई जाती है। ये अपने घर पर ही सेफ रहते हैं, तो इनका ध्यान रखना पड़ता है, इनको होमलेसनेस होती है। अगर ये इधर उधर चले गए तो फिर हो सकता है वो इंसान कभी घर पर वापस ना आ पाए। ठीक है, तो चलिए सोशल विड्रॉल, जॉबलेसनेस, होमलेसनेस के साथ डाउनवर्ड ड्रिफ्ट फिनोमिना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसे याद रखिएगा। आजकल कंपटीशन एग्जाम में नई नई चीजें बहुत। हमारे पेड कोर्स को कौन स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जिन स्टूडेंट के एग्जाम भी नियर फ्यूचर एटलीस्ट 2-3 मंथ बाद हैं, वो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक जीएनएम की। अगर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितनी तेजी से क्लासेस हो रही हैं, मुश्किल से 1-1.5 महीने में हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा कंपटीशन लेवल का। बीएससी नर्सिंग का अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ में पूरा हो जाएगा, और एमएससी नर्सिंग का अप्रॉक्सीमेटली 3-4 मंथ के अंदर पूरा हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू एग्जाम, आपके पास जितना टाइम है उस अकॉर्डिंग आप प्लान बनाएं और जुड़ें हमारे साइकेट्री के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कोर्स से और फायदा उठाएं और अपनी सफलता तक पहुंचे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप हम तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो दिए गए गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे जल्द ही कॉन्टेक्ट करेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।